यार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक तो एलपी का भर्ती कम पोस्टों पर आया है, कुछ लोग इधर उधर करके गलत फॉर्म भर दे रहे हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप फॉर्म फिलअप करने के बारे में सोचना है, क्योंकि कम भर्ती में अगर आप थोड़ी सी सावधानी नहीं बरतते हैं तो समझिए कि आपका पढ़ा हुआ सब कुछ बेकार हो सकता है। आपके सामने सभी डाटाएँ पेश कर किए हैं, साथ में आपको ये भी बताएंगे कि 2018 में जो आपका भर्ती आया था उसमें सबसे कम कट ऑफ कहाँ गया था, तथा अभी तक सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप किस आरआरबी में हो रहा है, दूसरा स्थान किस आरआरबी का जा रहा है, तीसरा स्थान किस आरआरबी का जा रहा है। साथ में ये बताएंगे कि आपको फॉर्म फिलअप कहाँ करना है, क्या अभी आपको फॉर्म फिलअप करना है या कुछ दिन के लिए आपको वेट करना है। इसलिए सबसे पहले जितने मेरे साथी इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको रेलवे भर्ती से संबंधित हर अपडेट, सिलेबस तो एकदम ऑपरेशन कर कर के मिलने जा रहा है, साथ में आपको हर कुछ का डाटा एकदम सबसे सटीक मिलेगा। क्योंकि हमने भी 2018 में एलपी टेक्नीशियन की तैयारी किया था और ऐसा जोन चूज किया था जहाँ सबसे कम कट ऑफ गया भी था, ठीक। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। देखिए, आपका 2018 का बात किया जाए तो 2018 में भर्तियां अपरंपार था, यानी देखा जाए तो भर्ती की संख्या बहुत ज़्यादा था, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक भी हो गया था, तो CBT 1 में लगभग सबका रिजल्ट निकल गया था। लेकिन इस बार अगर थोड़ा सा अगर आप गलती कर दिए तो आप CBT 1 ही नहीं रिजल्ट दे पाइएगा, CBT 2 और साइको तो दूर का बात है। मात्र 4 से 5 ऐसे आरआरबी हो गए हैं जिधर लड़का का एकदम सबका माइंड सेट हो गया है, एक तरफा भाग रहा है, लेकिन कुछ इंटेलिजेंट लड़के हैं वो अभी वेट कर रहे हैं कि अभी हमको फॉर्म फिलअप नहीं करना है। इसलिए आप सभी को मेरे साथ बने रहना है। पहला काम ये करना है कि अभी आपको फॉर्म फिलअप किसी भी कीमत पे नहीं करना है, आपको 3 से 4 या 5 दिन की वेट कर लेना है, तब फिर फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद आप अच्छे से भर्ती को देख लीजिए, उसके बाद कुछ सोचिएगा और डॉक्यूमेंट से संबंधित वीडियो बना दिए, आप लिखिएगा टॉपर्स एकेडमी बिहार ALP डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पर मेरा वीडियो आ जाएगा, देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। जब हमने फिर आज ही या रात में या साइबर कैफे का सर्वे किया, वहाँ पर मालूम चला कि अभी के समय में जितने बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो वही बच्चे कर रहे हैं जो सोच रहे हैं कि कहीं पर फॉर्म फिलअप कर दिया जाए, यानी कि एवरेज बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो बच्चा फॉर्म फिलअप करते समय भाग रहा है, जिसका नाम है, समझ जाइए आपके सामने उसको कलर कर रहे हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये नंबर 1 पर चल रहा है, जिसका नाम है सिकंदराबाद। देखिए, सिकंदराबाद में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसका 3 से 4 रीज़न बन रहा है, कारण बन रहा है। पहला कारण ये बन रहा है कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के बच्चों के माइंड में सेट ये रहता है कि हम साउथ के तरफ फॉर्म भरेंगे और वहाँ पर जॉब लेना आसान होता है, पहला ये रहता है। दूसरा कारण कि ये सब साउथ में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे भर्ती आया है तो जिसका नाम है सिकंदराबाद, आरआरबी सिकंदराबाद में, साउथ में, ये ऑल आरआरबी नहीं बोल रहे, साउथ में सबसे ज़्यादा भर्ती सिकंदराबाद में आया है, दूसरा कारण ये हो गया। और यहाँ का प्रीवियस कट ऑफ का हम आपको डाटा बताते थे हैं सिकंदराबाद, तो सिकंदराबाद का प्रीवियस कट ऑफ कोई कम नहीं गया है, CBT 2 को बता रहे हैं तो UR का 6100 में, OBC का 53 और SC का 40 और ST का 30 गया था, फिर भी बच्चे ने यहाँ पर फॉर्म भरने में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। दूसरे रेंज में जो आ रहा है जोन, जिसका नाम है बिलासपुर, आरआरबी बिलासपुर,
यानी बिलासपुर में भी सेकेंड स्थान पर बच्चा फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। अगर होल ओवर देखा जाए तो सिकंदराबाद से डबल यहाँ पर भर्ती है, फिर भी यहाँ पर बच्चा फॉर्म भर रहे हैं। कहाँ पर? सिकंदराबाद एक नंबर पर च्वाइस रख रहे हैं, दो नंबर पर आपका बिलासपुर। अगर वही बिलासपुर का आप कट ऑफ देखिए तो यूआर का 2018 में सीबीटी 2 एलपी के लिए 58 नंबर गया था, ओबीसी का 50, एससी का 30 और एसटी का 25 नंबर गया था सीबीटी 2 किसमें, सीबीटी 2 में। फिर भी बच्चा यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं क्योंकि इस बार भर्ती भी देख रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित भी देख रहे हैं। लेकिन मालूम होना चाहिए सभी लोग यही सोच रहे हैं तो कंडीशन क्या होगा, ये बात ध्यान रखना चाहिए। जब 2018 में भर्ती आई थी तो मालूम होना चाहिए सबसे कम सीटें थी सिलीगुड़ी जोन में, आरआरबी में, वहाँ सबसे कम कट ऑफ भी चल गया। यूआर का 40 चल गया, ओबीसी 30, एससी 30 और एसटी 25, यानी जनरल का आपका 40 नंबर मात्र कट ऑफ गया था, सबसे कम भर्ती भी था। तो देख लिए इस बार का कंडीशन क्या है, फर्स्ट च्वाइस बच्चा सिकंदराबाद में है, दूसरे नंबर पर थोड़े से ही कम बच्चा आपको देखने को मिल रहा है बिलासपुर जोन में, तीसरे नंबर पर बच्चा सब देखते हैं कि मुंबई के तरफ बिहार यूपी वाले बड़ी दर्दनाक रेंज में भागता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो भागता है कि कट ऑफ कम जाता है, दूसरे कारण बन जाता है कि यहाँ पर मुंबई आरआरबी मुंबई में भर्ती की भी संख्या अच्छी है। तो हम आपको अब बताने की कोशिश करेंगे कि मुंबई में कट ऑफ कितना गया था। यूआर का 57, ओबीसी 50, एससी 42 और एसटी का आपका 25 गया था 2018 के सीबीटी 1 नहीं मेरे भाई सीबीटी 2 के कट ऑफ बता रहे। फर्स्ट में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप सिकंदराबाद, सेकंड बिलासपुर, थर्ड में मुंबई में फॉर्म गिर रहा है। वही आप फोर्थ नंबर पर आइएगा तो आपका बेंगलुरु हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये भी साउथ का आरआरबी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, और यहाँ पर भी भर्तियों की संख्या बहुत अच्छा खासा होने के कारण बेंगलोर में भी फॉर्म बहुत अच्छे ढंग से बच्चे दर्दनाक तरीके में गिराना चालू कर दी है। इसलिए मेरे भाई आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको अभी 4 से 5 दिन वेट करना है, घबरा कर फॉर्म फिलअप नहीं करना है, नहीं तो आपका पढ़ा हुआ सब कुछ बर्बाद हो सकता है। इसलिए मेरे भाई आपको 4 से 5 दिन रुके रहना है। ये फॉर्म गिर रहा है, उसके बाद जो बच्चा अपना थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है कि हम कहाँ भरें तो ऊपर भाग जा रहा है। अहमदाबाद कहाँ गया मेरे भाई? हाँ, अहमदाबाद में। यहाँ पर क्यों भाग रहा है कि अहमदाबाद में एक तो कट ऑफ कम जाता है, दूसरे में अच्छा खासा भर्ती है, एवरेज जोन है, बच्चे का ध्यान वहाँ पर कम जा रहा है, इसे सोचकर वहाँ पर भी भाग रहा है क्योंकि देख रहा है कि 238 को पोस्टों है, वहाँ पर बच्चा का ध्यान कम है, इसलिए वहाँ पर भी बच्चे भाग रहे हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो एवरेज जोन है, अगर अभी आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, आपका मन है कि नहीं हम अभी ही करेंगे, तो मेरे अनुसार आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए, जो एवरेज जोन है वहाँ पर कर सकते हैं। अजमेर मत कीजिएगा, अगर बिहार यूपी से हैं तो अजमेर जाने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक। कोलकाता, मालदा, इलाहाबाद, उसके बाद आप चेन्नई भी डाल सकते हैं, ठीक, उसके बाद भुवनेश्वर भी डाल सकते हैं मेरे अनुसार। लेकिन ये जो 67 सीट हो गया, 38 सीट हो गया, 266 सीट हो गया, इस पर अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे साथ 4 से 5 दिन इंतज़ार कीजिए। हम आपको सीरियल वाइज बता देंगे कि इस आरआरबी का कंडीशन ये है, आप अगर अभी 1 से 2 दिन में फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ भर लीजिए। लेकिन आप जाकर साइबर कैफे, अगर जहाँ पर ज़्यादा हो, जहाँ पर ज़्यादा बच्चे होंगे रेलवे का, वहाँ पर भी जाकर आप पता कर सकते हैं सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप कहाँ हो रहा है। इसलिए आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि 4 से 5 दिन इंतज़ार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए, हम पल पल डाटा आपको लाकर देते रहेंगे, उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। अब इन सभी जोनों में दर्दनाक रूप से फॉर्म गिरना चालू हो गया है, आपको रेड पेन से भी उसको लाइन करके बता चुके हैं। अगर किसी तरह का और प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर आपको 1 से 2 या 3 दिन में इससे संबंधित अपडेट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।